हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्पोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो सी बी प्लस का इजी कैम होता है V380, वो मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग और उसको कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं, मैं वो आपको आज पूरी डिटेल दूंगा इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास जो कैमरा है ये V380 मॉडल है, इजी कैम सी बी प्लस का। तो मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको खोल के। इसके साथ हमें जो जो सामान मिलता है वो ये इसमें है। इसके लिए एक डाटा केबल मिलती है, इसका चार्जर, इसका स्टैंड और इसे हैंग करने के लिए पेंच। मैं इसको साइड में रख देता हूँ। अब मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। बॉक्स पे ही हम बार कोड बना हुआ है। अगर मैं एप्पल स्टोर से कुछ डाउनलोड करना है तो एप्पल स्टोर का, और अगर एंड्रॉयड करना है तो हमें एंड्रॉयड का भी बार कोड इसमें मिला हुआ है। यहाँ पे आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं, मॉडल नंबर वगैरह आप यहीं पर इसका चेक कर लेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन डब्बे पे है। डब्बे इसकी जो पैकिंग है थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है, क्योंकि सी बी प्लस एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए वो पैकिंग में तो बिल्कुल भी कोई कंजूसी करने वाली नहीं है। इसका स्टैंड है, मैं आपको स्टैंड लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका स्टैंड लग जाएगा, नीचे इसमें जगह होती है, ये लग चुका। वो आप इसे कैसे भी रख सकते हैं। यहाँ से मैं खोल के इसे साइड में रख देता हूँ। इसकी जो केबल है, केबल बहुत बड़ी है, लगभग 3 मीटर की केबल है। हम यहाँ पे केबल लगा देंगे। अब ये चार्जर की तरफ लगेगी और मैं इसे प्लग इन कर दूँगा। ये चार्जर मैं दिखा देता हूँ। चार्जर थोड़ा हैवी है और इसमें आप मोबाइल का जो नॉर्मल चार्जर होता है वो भी यूज कर सकते हैं। दोनों की क्वालिटी सेम ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। अब मैं इसे लगा देता हूँ। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इसको, इसमें मेमोरी कार्ड कैसे लगता है, उसके बाद मैं इसे लॉगिन प्लग इन करके दिखा दूँगा। यहाँ पे नीचे ही इसमें स्पेस होता है मेमोरी कार्ड लगाने का, आप वो इजीली लगा सकते हो। उसके बाद आप इसे चार्जिंग लगा के इसे ऑन कर सकते हो। इसमें रीसेट का बटन, और अगर आपको लैन से चलाना है तो लैन पोर्ट भी इसमें पीछे दिया गया है, आप दोनों लैन से भी इसे चला सकते हैं। और रीसेट अगर करना है तो आप इसे रीसेट पासवर्ड वगैरह बोल जाते हैं तो कर सकते हैं। देखिए मेरे कैमरे में लाइट आ चुकी है। तब तक मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ हमें कौन सी डाउनलोड करनी है इसके लिए। ये इजी कैम है, तो इसकी जो सी पी प्लस ने एप्लीकेशन का नाम रखा हुआ है वो इजी कैम ही है। इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं। सिंगअप करना पड़ेगा हमें पहले। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी अगर आपको चेक करनी है तो आप अपने फ़ोन के ही मेल में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे है, तो मैं यहीं पे दिखा दूँगा आपको। मेरी ईमेल आईडी मेरे याद है, मैं फिर भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि अगर आपको मेल आईडी देखनी है आप कहाँ से देख सकते हैं। मैं इसमें अपनी मेल आईडी डाल देता हूँ। ये मेरी मेल आईडी डल रही है, सजन ससदेवा 123@gmail.com। मैं जो इसमें डाल रहा हूँ, इस मेल आईडी पे ही एक ओटीपी आएगा जो मुझे इसमें डालना पड़ेगा, तब ये हमारा इसमें लॉगिन होगा और हम इसमें अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा आ चुका है। अब हमें अपनी मेल चेक करनी है और इसमें पासवर्ड डाल देना है। ये देखो हमारी मेल आ चुकी है, ये हमारा ओटीपी आया है। इसमें ओटीपी मैं इसमें डाल देता हूँ। मैंने ओटीपी डाल के ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको पासवर्ड लिखना है। मैं इसमें एडमिन 123 डाल देता हूँ, अभी ये कॉमन होता है, बाद में मैं इसे चेंज कर दूँगा। ये हमारा इसे अलाउ कर दो, ओके कर दो, अलाउ वन। हम इसे प्लस में जाके हमारा जो भी मॉडल आता है, इसमें 6 मॉडल आते हैं। ये देखिए हमारे पास जो मॉडल है वो है CPE 21। तो जो सबसे शुरू वाला है इसमें CPE 21 पे हमें क्लिक कर देना है, इसे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे हमें जो हमारा आसपास वाईफाई है उस वाईफाई का पासवर्ड डालना है। मेरा जो वाईफाई का पासवर्ड है मैं उसका पासवर्ड डाल देता हूँ। मेरा पासवर्ड है एडमिन ISP। ये हमारा पासवर्ड हो चुका कनेक्ट। इसमें
अब अगर बार कोड से करना है तो इसे हम बार कोड से भी कर सकते हैं, नहीं तो ये कनेक्टिंग नहीं पूरा प्रोसेस हो जाता है इसका, यहाँ पर कनेक्टिंग के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारी कनेक्टिंग हो रही है, ये पूरी 100% होगी, ये देखो 22% हो चुकी है, 24%, ये हमारी पूरी कनेक्ट होते ही हमारा कैमरा ऑटोमेटिक इसमें कनेक्ट हो जाएगा। और मैं आपके सामने ये भी करके दिखा दूँगा कि ये कैमरा में कैसे कनेक्ट करना है। तब तक मैं आपको इसके कैमरे के फीचर बता दूँ। ये कैमरा जो होता है आप आउटडोर में तो नहीं लगा सकते, लेकिन इनडोर के लिए बेस्ट कैमरा है। इसमें अगर आप 32 GB की चिप लगा रहे हैं मेमोरी कार्ड, तो उसमें आप लगभग एक हफ्ते की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये 360 डिग्री पर घूमता है जो इसका टॉप फीचर है। और इसका जो माइक की और स्पीकर की क्वालिटी है वो भी जो हम नॉर्मल कैमरा लेते हैं V380 उनसे ज़्यादा बेस्ट है। और इसकी कैमरे की क्वालिटी भी मैं आपको दिखा दूँगा कैसी है, वो भी इसकी काफ़ी अच्छी है कैमरे की क्वालिटी। और मैं इसको आउटडोर में यूज करके देखूंगा कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं, पानी बारिश से बचा रहेगा या नहीं, और मैं उसकी भी वीडियो आपको जल्दी दूंगा। तब तक हमारे ये पूरा हो चुका है, ये हमारा पूरा हो चुका है, इसे आपको डन कर देना है और हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। ये हमारा कैमरा ऐड हो चुका है, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमने अब ये लाइव चल रहा है कैमरा, अब ये इसे मूव कर सकते हो आपको जिधर भी इसे मूव करना है। मैंने बोला था आपको इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप क्वालिटी देख सकते हैं, इसकी क्लैरिटी वगैरह कैसी है। ये मैं कस्टमर बैठे हैं जिनके यहाँ मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये इन्हीं के यहाँ लगा रहा हूँ मैं कैमरा, और इन्हीं को मैं क्वालिटी वगैरह चेक करा रहा हूँ, कैमरे जो फीचर है वो सारे चेक करा रहा हूँ। तब तक आप भी क्लैरिटी देख सकते हैं कैमरे कितनी, ये ऐसे कैमरा शो करेगा, ऐसे ही ऐड हो जाता है। ये जो CP21 आ रहा है आप यहाँ पर ऑनलाइन होगा, ये यहाँ पर आप इसकी सेटिंग वगैरह देख सकते हो, साउंड वगैरह आपको अगर ऑन करना है वो भी आप ऑन कर सकते हो, और इसमें और कैमरे ऐड करने हैं वो भी आप यहीं से ऐड कर सकते हो। कई सारे फीचर हैं इसके, वो सारे के सारे तो आप इसमें देख सकते हो। अब मैं मुझे लगता है अब आप ये चलाना आराम से सीख गए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।